नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया, यानी दिल्ली पुलिस सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, यानी सिलेक्शन दिल्ली पुलिस के अंदर किस प्रकार से होता है, आपके लिए बोलूँ तो मैं दिल्ली सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में ये वीडियो पर कम्प्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को कर दें लाइक, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए अच्छा सा अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करूं। तो चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए फ्रेंड्स, जो अभी वैकेंसीज निकली हैं दिल्ली पुलिस में, यानी 5,846 पद के लिए आपके दिल्ली पुलिस में फॉर्म है वो अप्लाई किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इसी के साथ तो ये जो वैकेंसीज है, टोटल वैकेंसीज है, आप कह सकते हैं कि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है। तो इसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि ये वैकेंसीज है, यानी वैकेंसी दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक मेल इधर फीमेल। यानी मेल के लिए है ये 3902 और इधर फीमेल के लिए है 1944। अब इस प्रकार से ये वैकेंसीज है, यानी जो फीमेल की सीट है वो 1944 है और मेल की सीट 3902। फ्रेंड्स, ये जो है सभी मेल कैंडिडेट्स के लिए है और ये सभी मेल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। उससे आगे बात करें, ये आपको आप सभी को पता है कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और फॉर्म अभी अप्लाई होने शुरू होंगे। उसके बाद बात करते हैं इसके सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम आपका जो फॉर्म है वो अप्लाई शुरू होने होंगे, यानी आपके फॉर्म अप्लाई शुरू होंगे। अभी देखिए कुछ टाइम बाद, अभी तो ऐसा कुछ नोटिफिकेशन में लिखा नहीं हुआ कि आपके तब से फॉर्म अप्लाई शुरू होंगे, बट मैं ये कह सकता हूँ कि जल्द ही आपके फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएंगे। आप अपनी जो तैयारी है उसको अच्छी तरह यानी कंटस्ट रखें, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद बात करते हैं, आपका फॉर्म अप्लाई होता है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। देखिए फर्स्ट टाइम आपका 10th 12th क्लियर होना चाहिए, 10th 12th क्लियर होना चाहिए। देखिए ये कोई मायने नहीं रखता कि आप कौन से बोर्ड से 10th और 12th पास की है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपने किसी भी बोर्ड से 10th 12th पास किया है तो आप दिल्ली पुलिस के लिए यानी एलिजिबल है। उसके बाद बात करते हैं इसमें एज की। एज की बात करते हैं, यानी एज इसमें कितनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, एज इसमें है जनरल कैंडिडेट के लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए बात करें तो 18 से 25। कोई भी कैंडिडेट यानी 18 से 25 साल के बीच में है तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं कि ओबीसी के लिए कितनी छूट है, एससी के लिए कितनी छूट है। देखिए आप सभी को पता है जनरल के लिए कोई छूट नहीं दी जाती। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ओबीसी के लिए छूट है वो दी गई है 3 ईयर की, यानी इसमें प्लस करेंगे 3 ईयर तो यहाँ पर जो 28 साल का युवक यानी 28 साल का स्टूडेंट है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है, यानी ओबीसी कैटेगरी के अंदर आता है तो। उसके बाद बात करते हैं एससी की। एससी में छूट दी गई है 5 ईयर की, 5 ईयर की छूट दी गई है एससी में। तो 28 यानी 25 में प्लस करते हैं 5 तो इधर जो 30 साल का स्टूडेंट है वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये बात हो गई एज लिमिट की। उसके बाद बात करते हैं, आपने यहां पर फॉर्म अप्लाई कर दिया, क्योंकि आपको मैंने बता दिया एज बता दिया क्वालिफिकेशन बता दिया, यहाँ पर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया। उसके बाद देखिए आपका परमिशन लेटर आता है एग्जाम के लिए,
यानी जो आप एग्जाम लेटर होता है, आपको एग्जाम एंट्री करने के लिए परमिशन लेटर मिलता है। बात करते हैं आपका एग्जाम का। एग्जाम देखिए ऑनलाइन बेस्ट यानी कंप्यूटर बेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जाम बोलते हैं। आपका देखिए कंप्यूटर पे जो एग्जाम होगा वो 90 मिनट का होगा। आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद बात करें तो उसमें क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट काफी होते हैं। यहां पर 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, तो 100 नंबर का एग्जाम आपका किस किस सब्जेक्ट में डिवाइड होगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट में बात करते हैं तो इसमें होगा 50 नंबर का जीके, 50 नंबर का आपका जीके हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं 25 नंबर का आपका हो जाता है रीजनिंग। उसके बाद बात करते हैं कि 15 नंबर का आपका हो जाता है मैथमेटिक। उसके बाद बात करते हैं 10 नंबर का आपका हो जाता है कंप्यूटर। देखिए फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको सभी क्लासेज प्रोवाइड करवाऊंगा। आपको देखिए यहां आकर आपको करंट जीके होती है, इसमें पर डे आपको करंट जीके के पार्ट मिलेंगे, 10 से 15 मिनट की वीडियो मिलेगी, इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाने वाला है। उसके बाद बात करें तो रीजनिंग की आपको क्लास प्रोवाइड करवाऊंगा 15 नंबर। आपका जो मैथ है मैथ की आपको रेगुलर क्लास मिलेगी। उसके बाद देखिए 10 नंबर के जो कंप्यूटर है कंप्यूटर की आपको क्लास मिलेगी। मैं बताता हूं कि आपको यहां से बाहर जाने के बहुत ही कम चांस हो गए। मैं आपका जो सिलेबस का 80% सिलेबस का आपका 80% जो सिलेबस होता 80% नंबर का आपका मैं जो 80 नंबर का आपका जो सिलेबस होगा मैं वो मतलब आपको कंप्लीट करा दूंगा। आप जो अगर आपने कंप्लीट वीडियो देख लिए तो आपका जो सिलेक्शन है वो कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद बात करें आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, आपका एग्जाम क्लियर हो गया। उसके बाद आपकी आती है मेरिट, यानी आपके एग्जाम में कितने नंबर आए, 70 या 80 कितने नंबर आए। तो उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास। तो उसके बाद बात करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ आपके पास ओल्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद देखिए बात आती है ड्राइविंग लाइसेंस की, आपके पास कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स आपके पास होना चाहिए जो लाइट होता है, यानी लाइट ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो आपके पास होना अनिवार्य है, नहीं तो आपको वहां से निकाल दिया जाएगा डॉक्यूमेंट्स के चेक होने के बाद। उसके बाद बात करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद आपको रनिंग के लिए तैयार किया जाता है। रनिंग आपकी होती है 1600 मीटर, 1600 मीटर में टाइम दिया जाता है आपको 6 मिनट का। 6 मिनट में आपको यानी फीमेल के लिए 6 मिनट दी जाती है। इसमें SC OBC ST किसी भी कास्ट के लिए छूट नहीं दी जाती। ये 1600 मीटर रनिंग है, ये आपको 6 मिनट में करनी होगी, ये कंपलसरी होता है। अगर आपने 6 मिनट में यानी 6 मिनट में ये रनिंग 1600 मीटर नहीं की तो आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि फीमेल के लिए, फीमेल के लिए भी 1600 मीटर होती है लेकिन इसमें टाइम दिया जाता है 8 मिनट। फीमेल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 1600 मीटर रनिंग करना अनिवार्य है और टाइम मिलेगा 8 मिनट, ये आपको क्लियर करना होगा। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद होती है आपकी लंबी कूद। तो मेल के लिए देखिए, मेल के लिए जो लंबी कूद होगी वो होगी 14 फीट, इसमें आपको मिलेंगे 3 चांस। उसके बाद देखिए फीमेल, फीमेल के लिए होगा 10 फुट,
इसमें फीमेल को भी तीन चांस मिलेंगे। देखिए इसमें तीन चांस मिलेंगे आपको, ये यानी जो 14 फिट होगा इधर 10 फिट होगा, तो आपको लंबी कूद भी करना अनिवार्य होगा तभी आप यहाँ से क्वालिफाई होंगे। उसके बाद नेक्स्ट होता है आपकी ऊंची कूद। ऊंची कूद देखिए किस प्रकार से होती है, मेल के लिए होती है ऊंची कूद यहाँ पर 3 फुट 9 इंच, और फीमेल के लिए कितनी होती है, इसमें होती है फीमेल के लिए 3 फिट। यहाँ से आप क्लियर कर देते हैं तो आपके उसके बाद फिर से आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद आप फिजिकल में भी क्वालिफाई हो जाते हैं, उसके बाद बनती है आपकी मेरिट लिस्ट। देखिए मेरिट लिस्ट फिर उसके बाद देखिए जिस प्रकार से आपको यहाँ से 70 नंबर से एग्ज़ाम क्लियर किया आपने, उसके बाद देखिए आपका जो मेरिट लिस्ट है यानी उसमें फिर जो स्टूडेंट होते हैं, कुछ स्टूडेंट रनिंग में रह जाते हैं, कुछ ऊंची कूद में रह जाते हैं, कुछ लंबी कूद में रह जाते हैं। इस प्रकार से आपका जो मेरिट लिस्ट आने वाला मतलब नेक्स्ट टाइम आपका जो मेरिट लिस्ट आएगा वो लगभग 75 से 80 के समथिंग बन जाएगा, जिसमें आपको कंप्लीट आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन होगा। देखिए फ्रेंड्स मैं आपके लिए जितना हो सकेगा उतना अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद जय भारत।